भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अवसरों पायलट जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी और किस्मत के खेल ने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। उनका जन्म भारत के मशहूर राजनीतिक घराने में 20 अगस्त 1944 में हुआ था। वो अपने नाना और माँ की परछाई से ना रहकर अपने मुकाम हासिल करना चाहते थे। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी माँ इंदिरा गांधी दोनों ही प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके थे। क्योंकि 20 की उम्र में वो इंडियन एयरलाइंस के साथ कमर्शियल पायलट बन गए। उन्हें कैमरा के पीछे रहना पसंद था ना कि उसके सामने। वो अक्सर अपनी पत्नी सोनिया गांधी और अपने दो बच्चों राहुल और प्रियंका की तस्वीरें निकलते रहते। जब वो 36 के हुए तो उनके इकलौती भाई और राजनीतिक वारिस संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन पर राजनीति में आने का दबाव बनाया। धीरे धीरे वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार बन गए। 1984 में उनका माँ इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। यही वक्त था जब उन्हें भारतीय राजनीति का सर्वोच्च पद संभालना पड़ा। प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें भारत में आईटी क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कंप्यूटर के उत्पादन और आयात से रोक हटा दी जिससे इसकी कीमतें कम हो गई। लेकिन उनका शासन कोई विवादों से घिरा रहा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, साबनो गैस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना और वापस स्कैंडल। 1989 के आम चुनाव में उनके पार्टी की करारी हार मिली और उन्होंने अगले चुनाव में मतदाताओं का दिल जीतने को कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने तमिलनाडु के श्री तिरुपति शहर में एक जनसभा के आयोजन की। जब भारतीय सेना को श्रीलंका भेजने का बदला लेना चाहते थे और इस आत्मघाती हमले में हुई उनकी मौत ने देश को हिला के रख दिया। और ये थे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जीवन के एक दुख भरी राजनीतिक कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक विल बी अप्रिशिएटेड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।